इंस्ट्रूमेंट आज हम लोग गुप्त काल के राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक इतिहास के बारे में भी जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम गुप्त काल के प्रशासन की बात करें, इसकी बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन में अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें या सबसे बड़ी इकाई की बात करें, तो सबसे बड़ी इकाई की राजा, इसकी थी राजा, उसमें राजा को सबसे बड़ी इकाई का माना। अगर देश की बात करें तो राजा एक देश का नाम होता है, तो हम क्या कहते हैं कि देश को सबसे बड़ी इकाई माना जाता था और उसका प्रमुख कौन होता था, उसका प्रमुख होता था राजा, उसका प्रमुख कौन होता था राजा। अगर हम छोटी इकाई की बात करें तो छोटी इकाई मानी जाती थी गाँव, इसको गाँव को या ग्राम को सबसे छोटी इकाई प्रशासन की मानी जाती थी, और इस गाँव या ग्राम का जो हेड होता उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे ग्रामीण, क्या कहते थे ग्राम। जो गांव की जितनी भी गतिविधियां थी उनको हैंडल करता था उसको हम ग्रामीण कहते। अभी जैसे पानी के मामले में प्रशासन है तो गांव में जो मुख्य होता है उसको क्या कहते हैं प्रधान, क्या कहते हैं प्रधान। जो प्रधान होता है वो गाँव की देखरेख करता है, गाँव का एडमिनिस्ट्रेशन करता था, लेकिन गुप्त काल के टाइम पर कई सारी चीजों को हैंडल करता था ग्राम, ठीक। चूंकि राजा पूरे देश का एक सर्वोच्च व्यक्ति होता था, पूरे देश का राज्य कर रहा होता था, लेकिन ये भी कुछ लोगों को अभी हर चीज तो अवेलेबल कराई, तो इसने अपने कुछ अधिकारियों को रख रखा था, तो इसमें भी एक प्रमुख अधिकारी होता था, एक प्रमुख अधिकारी होता था जिसको हम कुमार आमात्य कहते थे, क्या कहते थे कुमार आमात्य कहा जाता था उस अधिकारी, जो पूर्ण रूप से उस चीज का देखरेख करता था या एक निश्चित जगह का पूर्ण रूप से देखरेख करता था और वह राजा के अंदर में या राजा के अंदर में काम करता था। आज के परिवेश में जैसे हम देखते हैं ना, कोई होता है क्या, तो डीएम साहब होते हैं, तो डीएम साहब जिले के क्या होते हैं प्रमुख होते हैं, पूरे जिले का जो प्रभार होता है किसके पास रहता है डीएम के पास रहता है। आज के जमाने में उस समय जो डीएम का काम था किसके पास था, वो मुख्य रूप से कुमार आमात्य के पास था, तो उस टाइम का कुमार आमात्य आज के डीएम के बराबर में हुआ करता था, तो ये प्रशासन का मुख्य रूप से जो स्वरूप था वो था, ठीक है ना। अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था में भी हम देखते हैं कि इस टाइम भी हमने आपको बताया कि हिंदू धर्म बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉलमेंट कर रहा था, इंस्टॉलाइट कर रहा था, कि गुप्त वंश में हिंदू धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों का बहुत अच्छे तरीके से स्वरूप मिला है। हमने देखा है वास्तुकला में भी कई जैन मंदिरों का और जैन मंदिरों का और बौद्ध मंदिरों का या बौद्ध मूर्तियों का द्वार भाव मिला है, और इस टाइम पर हिंदुओं में बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है। तो अगर आप देखें सामाजिक व्यवस्था के बारे में, तो समाज में उस समय चार वर्गों में विभाजित था, कौन कौन से वर्ग आपके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चार वर्गों में उसी हिंदू काल की तरह या हिंदू धर्म की तरह जो समाज था वो घटा हुआ था। इसी धर्म में हमें बाल विवाह, बाल विवाह और बहुविवाह, बहुविवाह और सती या और सती, इन कुरीतियों का या इन नीतियों का या इन चीजों का भी दुर्भाव के साथ मिलता है, गुप्त काल से मिलता है, गुप्त काल में हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। इसके अलावा फयान जो थे, फयान ने जो एक बुक लिखी है, फयान ने चलो मौर्य के टाइम पर वहां बनाए थे, उन्होंने एक फयान ने बुक लिखी है अपनी यात्रा वृतांत के लिए, फयान कून सी, ठीक है, फू कून सी, उस बुक में भी इन सारी चीजों के बारे में, या इसके अलावा एक और चीज आती है छुआ छू, क्या आती है छुआ छू, इनके बारे में उसने अपनी बुक में भी चर्चा किया हुआ है और अपनी बुक में भी चर्चा की हुई है। इस काल में ये सारी चीजें कहाँ पर व्याप्त थी, ये सारी चीजें गुप्त काल में उस समय पर व्याप्त थी, ठीक है ना। अगर हम प्रशासनिक सामाजिक अगर हम आर्थिक रूप से चर्चा, आर्थिक रूप मतलब अर्थव्यवस्था, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस समय भी जो था वो मुख्य रूप से कृषि पर डिपेंडेंट था, और कृषि से क्या लिया जाता था, कृषि से कर लिया जाता था, ठीक, और उस कर को मोस्टली दो रूपों में लिया जाता था, किस रूप में लिया जाता था, दो रूपों में कर लिया जाता था, ठीक, जिसको हम क्या कहते थे, एक को तो कहते थे मिल, ठीक, और एक को कहते थे क्या कहते थे हक तथा मिल, हक में क्या जाता था, हक में जाता था जब लोग नगद के रूप में, किस रूप में नगद के रूप में
पैसा दे देते हैं या कर दे देते हैं उसको, वहां आखिर क्या देते हैं? और जब लोग अनाज के रूप में पैसा दे देते तो उसको हम मे कहते हैं। चूंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पैसा नहीं था तो अनाज के रूप में कर दे देते थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास कर नहीं था तो वो अनाज के रूप में पैसा दे देते। तो ऐसे लोग जैसे अगर हम बात करें लोगों की, तो मुख्य रूप से कृषक लोग थे या कृषक परिवार के लोग उपयोग करते थे वो अनाज के रूप में देते थे, और जो लोग व्यापार के या व्यापारी करते थे ऐसे लोग थे वो मुख्य रूप से नगद के रूप में पे करते थे। और यदि गर्व की बात की जाए तो इस टाइम पर जो कर था वो 1/6 लिया जाता था। कहीं कहीं किसी किताबों में 1/4 होता है, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो लगभग 1/6 तक कर लोगों से लिया जाता था। कब? गुप्त काल के एरा। ठीक है, गुप्त काल के एरा में यदि हम वास्तुकला की बात करें, वास्तुकला मतलब उस समय क्या क्या बना है, तो हमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। जिसमें से अगर हम ललितपुर लोकल की बात करते हैं तो ललितपुर में एक देवगढ़ में विशाल तार मंदिर, तो वो भी किस पीरियड का है? वो भी गुप्त काल के, गुप्त काल पीरियड का दशावतार मंदिर है। या फिर हम अजंता चले जाते हैं तो अजंता में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में जो अभी है, तो उसमें कुल मिला के पता है कुल मिला के उसमें 29 गुफाएं में से गुफा नंबर 16, 17, 19 है। ये तीन गुफाएं मुख्य रूप से जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से रिलेटेड करते हैं, तीनों धर्मों से रिलेटेड करते हैं। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में सारी चीजें हैं वो पूर्ण रूप से सभी के लिए, मतलब ऐसा पर ही फोकस किया गया हो, या ऐसा नहीं कि केवल जनरल फोकस किया गया हो, या ऐसा भी नहीं केवल हिंदू, सार्वत्रिक रूप से सभी धर्मों को बराबर रूप से कह लो, या फिर बराबर रूप से नहीं कह सकते, तो सभी को सर्वस्व रूप से स्थान दिया गया और उस स्थान के बारे में सोचा गया। इसीलिए गुप्त काल के एरा को हम क्या कहते हैं? गुप्त काल के एरा को हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। इसी टाइम पर जो ललितपुर का दशावतार मंदिर है वो नाम अजंता एलोरा में जो गुफाएं हैं 16, 17, 18 उसमें बहुत धर्म जैन धर्म सारी चीज़ों की इकट्ठी चीज़ें मिल जाती हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे या फिर स्वर्ण युग से रिलेट करते हैं। ठीक है, और अगर हम संस्कार की वास्तुकला की बात करते हैं, काल के बाद कला मध्य प्रदेश में जो वाल्मीकि गुफाएं हैं वो भी गुप्त काल के टाइम पर या उनके टाइम पीरियड पर बनवाई। एक हमने और आपको नाम बताया था उनको सुदर्शन जी, ठीक है ना। तो गुप्त काल में एक राजा हुए हैं स्कंद, कौन थे हुए? स्कंद। स्कंदगुप्त ने क्या करवाया था? स्कंदगुप्त ने गुप्त काल के राजा ने जो सुदर्शन जी थी उनका पुनरुद्धान या जीवोद्धान करवाया। अगर हम सुदर्शन जी के बारे में पढ़ें तो इनका सबसे पहले इंस्टॉलमेंट किसने करवाया था, किसने बनवाई थी? तो हम चले आते राम पर, तो हम चले आते मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बनवाया था। और उसको बनवाने के बाद उसका फर्स्ट एम्पर पीरियड डिकोडेशन या रिलाइजेशन किसने करवाया था? उन्होंने करवाया था। अशोक के बाद थर्ड टाइम पर रुद्रदामन ने करवाया था, और रुद्रदामन सेकंड टाइम पर उसका रिलाइजेशन करवाया था। उसके बाद में एक नाम आता है गुप्त काल के शासक स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त ने भी उसका जो रिनोवेशन करवाया था उसको रिनोवेशन में करवाया था, या उसको रिनोवेशन करवाया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गुप्त काल, उसकी वास्तुकला, उसके प्रशासनिक जीवन,